दर्शक बंधु गोटे दिन में आपण इम्यूनिटी पावर स्ट्रंग हम ना एपं बहुत आगर प्रिपेरेसन दरकार छोट पिला जो मैंने माँ अच्छा डाक्तर सजेसन है छोट पा सब बड़े ब्रेस्ट फिडिंग करातु तांको तुलसी पत्र खाइबा को दियंतु बेलो पत्र खाइबार हैबिट रखंतु ताहाले हुए तो बड़ हेला परे सेमाने रोग सहित लड़ी पारे आ सुस्थ रही पारे से हीपरी जदि आपण आपण शोइबा खाइबा नियम ठीक रखिबे एथिप्रति सतर्क रहिबे हरिडा बाहाडा ओला ए सबो खाइबे ताहाले आपणक इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हबो तेबे कोन सबो नियम रहिछि आसंत सुनबा आम डाक्टर ए संपर्क रे कोन टिप्स दउछन्ति आमे समस्ते चाहूँ कि आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति ठीक रहू बा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ू दिनक दिन किंतु ये जो रोग प्रतिरोधक शक्ति रही आम शरीर किपर भाव क्षय हुए प्रथमतः आम जीवा जो आम दैनंदिन जीवनशैली जहाँ रही दैनंदिन जीवनशैली आम कौन करवा उचित कौन नक उचित ता न जापर कारण सठिक ढंग से यही नियम पालन नक कारण आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाए आमर बल कमी जाए आमको विभिन्न प्रकार रोग शिकार होगा पड़े तो आमको ये जो रोग प्रतिरोधक शक्ति आम शरीर में बढ़ावाई हेले केवल गोटे दिन में बढ़ी पारना आमको निजर जीवनशैली ठीक भाव करवा आवश्यक जमीक आम आयुर्वेद संहित वर्णना कर सठिक दिनचर्या और सठिक ऋतुचर्या जदि आम पालन करवा आम शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी पार तो प्रथमतः आम जीवा दिनचर्या कौन दिनचर्यार अर्थ हूँ आम आम सका उठबार रातिर शोवा पर्यंत आम जीवनशैली किपर हवा आवश्यक प्रथमतः आम ब्राह्म मुहूर्त समस्ते शज्याग करने आवश्यक द्वितीयतः शज्याग कर सारापर आम समस्ते उषापान करने आवश्यक उषापान अर्थ हूँ आम राति रखि पा तंबा पत्र रखि पा को आम सका उठला मात्रे ईश्वर नाम स्मरण कर पीवा आवश्यक यापर आम आम दैनंदिन जहाँ रहा नित्यकर्म झाड़ा जावा आम दात घसवा इत्यादि विभिन्न प्रकार कर्म आम करवा आवश्यक यह कर सारापर आम आम प्रतिदिन आमर शारीरिक व्यायाम 30 मिनिट पर्यंत कि 45 मिनिट पर्यंत आम आम शारीरिक व्यायाम करने आवश्यक शारीरिक व्यायाम भितर आम योग आसी जामर प्राणायाम आसी जा तेणु आम गोटे निरोला स्थान परिष्कार स्थान आम प्राणायाम करने आवश्यक एवं योग करने आवश्यक जो जगह उत्तम भाव में वायुर संचालन होपरी जगह आम आम शारीरिक व्यायाम करने आवश्यक यापर आम कि समय 10 मिनिट खंडे रेस्ट नेला आम कौन करवा आम शरीर में तैलर अभ्यंग करवा प्रत्येक दिन आम शरीर में तैलर अभ्यंग करवा आवश्यक मुंडर आरंभ करके पाद पर्यंत प्रत्येक दिन आम विभिन्न प्रकार औषधीय तैल जदि औषधीय तैल आम जाणिने ताहले आम साधारणतः भाव में राशि तेल कि नड़िया तेल संपूर्ण भाव में मुंडर आरंभ करके पाद पर्यंत आम अभ्यंग करिपारिबा द्वितीयतः आम अभ्यंग कर सारापर सूर्य स्नान करवा आवश्यक सकालर कौलिया सूर्य किरण आम शरीर में आम रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि करें तेणु आम तैल अभ्यंग कर सारापर आम छात उपरक जाए कि खोला पड़िया जाए आम सूर्य सूर्य किरण से 10-15 मिनिट पर्यंत आम रहा आवश्यक स्नान सेवन करने आवश्यक तृतीयतः सूर्य स्नान किसी समय पर आम जल स्नान करने आवश्यक जोटाक आम साधारणतः स्नान बोली गाधवा बोली कही था स्नान कर सारापर आम आम भोजन करवामें आम दैनंदिन कार्यक्षेत्र प्रति अग्रसर हवा तो आम जो ये जो भोजन आम करवा से भोजन सब बड़े फ्रेश होता आवश्यक संतुलित होता आवश्यक और प्रचुर मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स भर्ती होता आवश्यक आउ से कौन हाँ सीजन हिसाब से हाँ आवश्यक जमीक आम बासी खाद्य को बर्जन करवा आम आम पैक्ड फूड को बर्जन करवा आम आम जो जिनस गुड़ा अधिक मात्र बर्जन करवा लघु भोजन करवा सात्विक भोजन करवा आम आम जमीक आम आम जाणिले कि आम हाल्का भोजन कर सारापर आम पा पीवा ना कि समय आम रही अध घंटा पर आम पा पीवा आवश्यक आ ये भोजन आम सठिक समय नवा आवश्यक जमीक आम ब्रेकफास्टा ठीक टाइम हवा दरकार आम लंचा ठीक टाइम हवा दरकार आम रात भोजनटा संपूर्ण भाव में हाल्का भोजन हवा आवश्यक
आम दिन बेला साधारणतः उपवास रही जाऊ कार्य व्यस्त रहीकि रातिर आम भल भाव में अधिक भोजन नहीं था यहाँ हूँ गोटे पूरा रंग प्रोसीजर तेनाली दिन बेला आम लंचा को सठिक भाव में नवा आवश्यक रातिर आम हाल्का भोजन नवा आवश्यक कि ना कि असुविधा ना तृतीयतः द्वितीय आमर आसीगला निद्रा निद्रा कौन हवा दरकार ना निद्रा आम आमर जमी खाद्य को आम गुरुत्व दौचे सेमती शोवाकूम गुरुत्व देवा आवश्यक जमीक केवल खरा दिन आम दिन बेला रेस्ट नहीं पार और अन्य दिन मानक आम दिन दिवासायन को बर्जन करवा आवश्यक बा दिन में शोवा आमपाई रोग को डाकि आणु आम अन्य दिन अन्य सब सीजन में आम राति शीघ्र शोवा आवश्यक निहाती भाव में 6-8 घंटा आम शोवा आवश्यक तृतीयतः आम जा शिशु मानकर सठिक भाव में केमी आमर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी पार से विषय में आपको सविशेष भाव में कहि जोटा कि आरंभ हुए माँ गर्भर गर्भाधान जमी आयुर्वेद में षोडश संस्कार विषय में वर्णना कर प्रथम संस्कार ना हूँ गर्भाधान संस्कार से माँ पेटर छुआ रहा दिन ठारू डे अफ कनसेप्ट आम माँ एवं छुआर किपर भाव में सठिक भाव में स्वास्थ्य भल रहीपर से आम चिंता करने आवश्यक तो माँ जहाँ पोषण नब माँ जहाँ खाद्य खाइब माँ जहाँ चिंता कर तार प्रभाव छुआ उपर पड़ता है तेणु से समय माँ रत्न नवा बहुत जरूरी तार खाइबा सठिक समय रे खाइबा तार सठिक समय रे सोइबा एवं तार मन फूर्ति रहा निहाती आवश्यक छुआ जन्म है माँ रीर छुआ अमृत सामान तेणु आम निश्चित भाव में समस्त को प्रोत्साहित करवा कि माँ क्षीर छुआ सेवन करवा निहाती दरकार अत्यंत खरा हो गरम हो जहाँ हो आम छुआ को ठोपे पानी दबा कथा नुहे केवल माँ क्षीर ही छुआ खाइबा आवश्यक जहाँकि शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न कर आम देखीचे कि जो छुआ मैंने केवल माँ क्षीर खाते 6 मास पर्यंत से छुआर सहजरे कौन सी प्रकार रोग आक्रमण करेंगे आम जब बाहर क्षीर खाऊे कि बाहर खाद्य छुआ को दौचे आम भावे कि गोटे आडिशनाल फुड कितनी विपदर कारण हो जाए द्वितीयतः आम माँ क्षीर सेवन कर माँ क्षीर छुआ खाई सारापर 6 मास पर आम आयुर्वेद में गोटे संस्कार अच्छी जहाँ को आम कहे स्वर्ण प्राशन संस्कार तार अर्थात आम स्वर्ण घटित किसी औषध प्रतिमासर पुष्या नक्षत्र में आम छुआ को दौचे सेवन करने स्वर्ण प्राशन संस्कार द्वारा छुआर शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ुची छुआर विभिन्न प्रकार एबिलिटी बढ़ुची आहजे कौन से रोग आक्रमण करूना तेणु आम बड़ लोकर सठिक भाव में दिनचर्या और ऋतुचर्या आम पालन करने चेष्टा करने आवश्यक और छुआ क्षेत्र में आम गर्भाधान ठार आरंभ कर स्वर्ण प्राशन पर्यंत क्रिया ठीक भाव में कई ना आवश्यक आम आम दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन सका उठे आपण बारी में बेलपत्र अच्छी आपण बारी में तुलसी गच्छ अच्छी तेणु आम दिन को निश्चित भाव में 7-8 तुलसी पत्र खाली पेटर खाइबा आवश्यक चोबे चोबे खाइबा आवश्यक बेलपत्र 2-3 बेलपत्र चोबे चोबे खाइबा आवश्यक आमर जो आहार सका आम जो आम पानी सेवन करा उष्ण रहा आवश्यक आ पानी में आम तेजपत्र पकई पार गोलमरीच पकई पार अदा पकई पार विभिन्न प्रकार औषधीय द्रव्य जमी अश्वगंधा रहा गुड़ुची रहा आपणकर तेजपत्र रहा आपणकर बला रहा यह सब विभिन्न प्रकार द्रव्यर मिश्रण में आम गोटे क्वाथ प्रस्तुत करूँ आ क्वाथ को आम मझे मझे जमी आम चाह अभ्यास कर दिनक 3-4 पीऊे से अभ्यास न करके आम जो औषधीय क्वाथ रही औषधीय क्वाथ को आम दिनक 3-4 सेवन करा द्वारा आम शरीर में सठिक भाव में रोग प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न होता है।